नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरने मामले में आज सूरत की सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, जहां मानहानि मामले में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि वह सांसद थे और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ के भट्टा धुलिया में भारतीय सेना की गाड़ी में आग लगने से सेना के 4 जवानों की जान चली गई है। फिलहाल गाड़ी में आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले गर्मागर्मी का माहौल है। इस बीच बीजेपी ने राज्य में मिशन लिंगायत की शुरुआत कर दी है। इसी के मद्देनजर हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बैठक की गई। उद्योगपति गौतम अडानी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात शरद पवार के आवास पर हुई। इस दौरान काफी देर तक दोनों बंद कमरे में बातचीत करते रहे। ये मुलाकात क्यों हुई है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने विपक्ष द्वारा मांग की जा रही जेपीसी के मामले में भी अपना बयान दिया था। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर खोलने के बाद कंपनी के सीईओ टिम कुक ने दिल्ली के साकेत में एप्पल का दूसरा ऑफिशियल रिटेल स्टोर खोल दिया है। मुंबई की तरह ही इस स्टोर में भी कई तरह की खासियत है। 26/11 मुंबई मामले के आरोपी तहवुर राणा को 30 दिन के अंदर भारत को प्रत्यर्पित करने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां अमेरिका की कोर्ट ने यह फैसला लिया है। भारत के दौरे पर आएंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। 2014 के बाद पहली बार कोई पाक नेता करेगा भारत की यात्रा। बता दें कि बिलावल की यात्रा गोवा में आयोजित होने वाले विदेश मंत्रियों की शंघाई सहयोग बैठक के लिए होने वाली है, जहां वे पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार को तगड़ा झटका लगा है, जहां उनके छोटे भाई ने उन्हीं के क्षेत्र से अपना पर्चा भर दिया है। अतीक और अशरफ के आरोपी अरुण मौर्य की क्राइम कुंडली को जानने के लिए कासगंज पहुंची प्रयागराज की पुलिस। राजगीर के वैभवगिरी पर्वत के ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर 15 मिनट तक मंडराता रहा। इसके बाद सीएम ने एक बैठक की और उन्होंने अधिकारियों से आगलगी से हुए नुकसान की भरपाई के उपाय करने को कहा, साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कई दलीलें पेश की। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, बस उन्हें हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली को संबोधित किया। बता दें कि सीबीआई पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल की यह पहली रैली थी। इस दरमियान केंद्र सरकार पर केजरीवाल जमकर बरसे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। विज ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत निवारण समिति की बैठक पर सवाल खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि विज शिकायत निवारण समिति की बैठक में निलंबित किए गए अधिकारियों पर कार्रवाई ना होने से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस सतर्क मोड में नजर आ रही है, जहां अतीक अशरफ मामले के बाद से ही उनके परिवार की निगरानी की जा रही है। झारखंड के दुमका में ऐप से फर्जी चालान बनाकर ट्रकों को बिहार भेजने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। 5,000 का चालान 500 में बेचते थे ठग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस छोड़कर किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सीएम के पद को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और बोला कि मुझे लगता है कि पार्टी ने शायद मुझे अयोग्य माना है। इंदौर के कुछ छात्रों ने सड़क हादसे कम करने के लिए एंटी स्लिप अलार्म बनाया है। यदि गाड़ी चलाते समय ड्राइवर की आंख लग जाती है तो इसका अलार्म बजने लग जाएगा और ड्राइवर की नींद खुल जाएगी, साथ ही नींद ना खुलने पर वाहन के पहिए खुद रुक भी जाएंगे। सीएम सुक्खू ने संभाली शिमला नगर निगम चुनाव की कमान। प्रत्याशियों से कहा फील्ड में एकजुटता से करें काम। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने बेदखली के आदेश में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 6 मई या 19 अप्रैल को अंतिम आदेश के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर 13 डिसमिल भूमि खाली करने को कहा है, जिस पर वह कथित रूप से अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। 21 साल बाद गुजरात के नरोदा गांव मामले में आ जा सकता है बड़ा फैसला। कोडनानी और बाबू बजरंगी भी हैं आरोपी।
भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू से मिलने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने जताई खुशी। केंद्र सरकार ने की थी मदद। बता दें कि अनुराग मालू को नेपाल के अन्नपूर्णा शिखर से 20 अप्रैल को तड़के 3 बजे जिंदा निकाल लिया गया था। गर्मियों के मौसम में बेल का शरबत, लस्सी या जूस बनाकर जरूर पिए। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही कई बीमारियों से आपको बचाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, थायमिन और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर एक्टिव लिंक यानी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर आपने मोबाइल न्यूज 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।